समस्या सुलझाने में बुद्धिजीवी का योगदान। बुद्धिजीवियों का यह कर्तव्य है कि राष्ट्र की समस्याएं सुलझाने में मदद करें। नेता अपने हर भाषण में यही बात कहते हैं, खुद तो करते नहीं, हमारे सिर पर डाल रखा है। सवाल यह है कि बुद्धिजीवी कौन है? उत्तर यह है कि मैं हूँ, आप हैं, यहाँ बैठे लोग हैं। जब वे नेता हो सकते हैं तो क्या हम बुद्धिजीवी नहीं हो सकते? जब उन्हें स्वयं को नेता कहते शर्म नहीं आती तो हम अपने को बुद्धिजीवी कहने में क्यों शर्माएं? पर इस देश में समस्याएं अधिक हैं और उसकी तुलना में बुद्धिजीवी कम है। फिर यह भी हो सकता है कि हम जिसे समस्या समझ रहे हों नेता उसे समस्या ही ना माने। मुझे लगा चलिए पूछ लिया जाए एक नेता से। मैंने एक नेता से पूछा, जी आपकी नज़र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह बोला, सबसे बड़ी समस्या तो एक बार जहां से चुनाव जीत गए वहां से फिर जीतना है। मैंने कहा, बुद्धिजीवी के नाते मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वे बोले, बुद्धिजीवी के नाते नहीं, हाँ गुंडे बदमाश होने के नाते आप हमारी मदद ज़रूर कर सकते हैं। मैंने कहा, गुंडे बदमाश होने के लिए तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। वे बोले, तभी आइए, प्रजातंत्र अमर है, चुनाव तो होते ही रहेंगे। मेरा पत्ता कट गया। इन नेताओं की जो प्रमुख समस्या है उसमें तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने सोचा चलो किसी अफसर से बात करें। जिस अफसर से मैं मिला वो हालांकि पुलिस का था मगर था विश्वसनीय। मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब उसने बात भी अक्ल की। मैंने उससे पूछा, क्यों साहब, पुलिस की वर्दी में आप कहीं बुद्धिजीवी तो नहीं? वो हंसकर बोला कि बुद्धिजीवी होता तो ये नौकरी मुझे कौन देता, आपकी तरह चप्पलें चटकाता फिरता। मैंने उनसे पूछा, आपकी दृष्टि में इस समय राष्ट्र की प्रमुख समस्या क्या है जिस पर विचार करने में हम बुद्धिजीवी आपकी मदद कर सकते हैं? पुलिस अफसर ने बताया कि राष्ट्र की प्रमुख समस्या है लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात कानून व्यवस्था। हत्याएं हो रही हैं, चोरी, लूटपाट, बलात्कार, यही समस्या है। मैंने कहा, कुछ बलात्कार तो आप पुलिस वाले भी करते हैं? तो वह बोला, जी टाइम ही कहाँ मिलता है, सारा दिन तफ्तीश में गुजर जाता है। इंसान के पास वक्त हो तो वह बलात्कार भी करे। क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, मैं तो कहूँगा किस्मत वाले हैं वे पुलिस वाले कि इतने सब के बावजूद बलात्कार का वक्त निकाल लेते हैं। एक मिनट की तो फुर्सत नहीं है, आप बलात्कार की बात कर रहे हैं। इसमें शक नहीं कि इस देश में अपराध बहुत बढ़ गए हैं। अपराध करने वालों को समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या करें, मतलब यह कि हत्या करें या बैंक लूटे, अपहरण करें या दुकान में घुस कर नकद कैश ले लें। यदि पुलिस के पास फुर्सत नहीं है तो अपराध करने वालों के पास भी फुर्सत नहीं है। आप और हम जीवित हैं इसका कारण यह भी है कि अभी तक हमारी हत्या नहीं हुई। हत्या इसलिए नहीं हुई कि हत्या करने वालों को दूसरों को मारने से फुर्सत नहीं मिली, और हमारा सौभाग्य यह है कि हम वे दूसरे नहीं थे। अन्यथा आज मरने में देर क्या लगती है और मारने में किसी का जाता क्या है? मैंने पुलिस अफसर महोदय से पूछा, आपकी रुचि किस में है, आप हत्याएं रोकना चाहते हैं या हत्यारों को पकड़ना चाहते हैं? वे बोले, हत्याएं जिन कारणों से होती हैं उनका तो हमारे विभाग से कोई संबंध नहीं। आर्थिक कारणों से होती हैं तो ये वित्त विभाग का मामला है, मनोवैज्ञानिक कारणों से होती हैं तो मनोविज्ञान शिक्षा का विषय है, राजनैतिक कारणों से होती हैं तो आप जानते हैं कि हम पुलिस वाले राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ते। हमारा काम है हत्या हो जाने के बाद हत्यारे को पकड़ना। इसमें बताइए, बुद्धिजीवी होने के नाते आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, इसमें तो हत्यारा जिसने खुद हत्या की है वो आपकी मदद नहीं कर सकता, तो मैं तो क्या मदद कर सकता हूँ? बुद्धिजीवी के नाते राष्ट्र की समस्या पर विचार करना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने सोचना आरंभ किया। आप जानते हैं इस क्षेत्र में मेरा अनुभव जरा भी नहीं है, ना मेरी हत्या हुई है और ना मैंने हत्या की। हत्यारे को खोजने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते वे दूसरों को क्या खोजेंगे? दिशाएं 8 हैं, हत्यारा किसी भी दिशा में भाग सकता है। यदि हर दिशा में हत्यारे को पकड़ने के लिए दो दो पुलिस वाले दौड़ाए जाएं तो एक हत्या के पीछे 16 पुलिस वाले चाहिए। फिर वो दौड़ते हुए अपने घर ना चला जाए, इसके लिए भी कुछ चाहिए। इसी भागदौड़ से बचने के लिए पुलिस अक्सर हत्या को आत्महत्या कहकर टाल देती है। हमारे देश में बड़े आदमी की हत्या होती है, गरीब को आत्महत्या करनी पड़ती है। उसे मारने के लिए भी कोई खाली नहीं, उनका शोषण किया जाता है, उन्हें मारा नहीं जाता। और यदि किसी गरीब की हत्या हुई है तो यह साबित करना पड़ता है कि यह आत्महत्या नहीं है। पुलिस मानती नहीं, गरीब को कौन मारेगा, इसमें क्या रखा है? बिना अच्छी आर्थिक स्थिति के आपकी इस देश में हत्या भी नहीं हो सकती।
हत्यारे को पकड़ने का एक तरीका है कि पुलिस जाती है और पूछताछ करती है। क्यों साहब, ये हत्या आपने की है? किसकी हत्या? राम प्रसाद की, जो परसों मरा। जी मैंने नहीं की। भाई साहब, आपने की हत्या? राम प्रसाद की? जी नहीं, मैंने तो सरजू प्रसाद की है। हम आपसे राम प्रसाद की बात कर रहे हैं, आप सरजू प्रसाद का जवाब दे रहे हैं। हटिए। हाँ जनाब, ठहरिए ठहरिए, ये आपने की है राम प्रसाद की हत्या? हत्या? जी हत्या मैं नहीं करता साहब, इन चक्रों में पड़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। कभी किसी की करनी भी होगी तो पैसे देके दूसरे से करवा लेंगे, खुद नहीं करेंगे। समाज में अपनी इज्जत है साहब। माफ़ कीजिए। हाँ जनाब, जरा जरा सुनिए तो। रुकिए रुकिए रुकिए, वो राम प्रसाद की हत्या आपने की है? जी नहीं, मैं राम प्रसाद को जानता ही नहीं तो मैं उसकी हत्या क्यों करने लगा? नाम ही आज सुन रहा हूँ, जान पहचान वाला होता तो हत्या भी करे, जिससे परिचय नहीं उसकी हत्या करके मुझे क्या मिलेगा? श्रीमान, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि ये राम प्रसाद की हत्या? जी मैंने की है राम प्रसाद की हत्या। आप बीच में मत बोलिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ श्रीमान, आपने की राम प्रसाद की हत्या? जी नहीं, मैं तो परदेसी हूँ, बाहर से मर्डर करके आया हूँ, पर हाँ इस शहर में जी मैंने अभी तक कोई मर्डर नहीं किया है। अच्छा अच्छा, कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक से पूछने में काफ़ी समय जाता है, इसलिए पुलिस तो यह करती है कि किसी एक को पकड़ लेती है कि तूने की है राम प्रसाद की हत्या। वो कहे कि जी मैंने नहीं की, तो पुलिस बोले नहीं तूने ही की है। अब ये साबित करना उसका काम है कि उसने हत्या नहीं की। जैसे मर्डर स्कूल के पास हुआ तो एक मास्टर को पकड़ लिया, जी आपने की है हत्या। क्या बात करते हैं, स्कूल के पास हुई है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इनकार करने वाले से कबूल करवाना तो पुलिस के बाएं हाथ का खेल है। थाने में पिट पिट कर अधमरा पड़ा अपराधी सोचता है मेरी हत्या हो रही है, इससे तो अच्छा है कि मैं दूसरे की करूं। वो पुलिस से हाथ जोड़कर कहता है, जी राम प्रसाद कौन है मैं नहीं जानता, उसकी कब और कैसे किस वजह से हत्या हुई ये भी मुझे नहीं पता, मगर की मैंने है इसमें कोई शक नहीं। एक बार हत्या कबूल हो जाए तो बाकी जानकारी तो पुलिस दे देती है। बुद्धिजीवी के नाते मैंने किया यह एक ताज़ी हत्या का विस्तार से अध्ययन किया। हत्यारे का मनोविज्ञान, जिसकी हत्या हुई थी उसकी आर्थिक स्थिति, उसका इतिहास, घर का भूगोल आदि सभी पक्षों पर रिसर्च कर मैंने अपनी खोज पुलिस ऑफिसर महोदय के सम्मुख प्रस्तुत की। उन्होंने ध्यान से सुनी, फिर काफ़ी देर चुप रहे और गहराई से सोचते रहे, फिर आँखें छोटी करके मुझसे बोले, मेरे ख्याल से ये हत्या आपने की है। मैं बुद्धिजीवी हूँ, ये विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूँ, बिना स्वयं हत्या किए इतना बढ़िया डिटेल विवरण आप दे ही नहीं सकते। फिर बोले चलो थाने। उसके बाद जो हुआ वो लेख का नहीं कविता का विषय है। मैं तो यही कहूँगा कि राष्ट्र की समस्याओं के चिंतन में मुझसे जो बन पड़ा वह मैंने किया। आप यह भी समझ गए होंगे कि नेता बुद्धिजीवियों से क्यों अपील करते हैं, उन्हें डर है कि कहीं वे ही न फंस जाएं।